296, एसटी संख्या 296। इसमें पहला क्वेश्चन है, जब कोई डिटर्जेंट वाटर में ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होगा। तो यहां पर देखिए सरफेस टेंशन घटता है, इसीलिए डिटर्जेंट मिलाने से कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन ध्रुवीकृत नहीं हो सकता, जिसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। तो इसमें साउंड एंड वेव्स, ये जो है साउंड वेव इन ईयर, इसमें सही ऑप्शन देखिए रेशियो वेव्स कुछ नहीं होती हैं, तो साउंड वेव इन ईयर्स जो है एक्सरे और इंफ्रारेड रेडिएशन का पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन केवल साउंड वेव जो ईयर में होती हैं इनका पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, दे आर एलोट्रॉप्स। ठीक है, आइसोटोप कहते हैं जहां पर एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, आइसोबार संभारिक होते हैं जिसमें मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन ये एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, समरूप जिसको कहते हैं, ठीक है, दे आर एलोट्रॉप, समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल गैस इज वन विच ओबेज किसका नियम लागू कर मतलब फॉलो करना चाहिए, जो गैस लॉ को अनुसरण करती है वो एक आदर्श गैस है। ठीक है, आइडियल गैस, तो देखिए गैस लॉ जो है वो है P1V1 upon T1 = P2V2 upon T2। ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है, जिसको हम K से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये गैस के नियम इसको लागू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, इलेक्ट्रोरोपण का प्रतिपादन किसने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसने बनाया था। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो मेन फंक्शन है वो फैराडे का है। फैराडे ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को सबसे पहले खोजा था, इसमें एडिसन, थॉमस ग्राहम और ब्रोगन इनका कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को इसने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं। देखिए प्यूपा जो है ये कीटों का होता है, जैसे कि ये जो सिल्क का कीड़ा होता है, मैगॉट जो बड़े कीड़े होते हैं मैगॉट उनका होता है, जैसे कि जो स्किन पे चिपके होते हैं पैरासाइट, जैसे ये एनिमल्स में होते हैं, और कैटरपिलर जो है ये तितली का लार्वा कहलाता है जो उसका होता है बटरफ्लाई वगैरह का। तो फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, जो कि इसकी फिश की तरह से इसकी स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको मैच करना है, तो देखिए इसमें कौन सी डिजीज किसको इफेक्ट करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 है ये। क्वेश्चन नंबर 40 में जैसे आपको पहला है मलेरिया, मलेरिया हमारी ब्लड सेल्स को, मेनली मलेरिया हमारी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है, मलेरिया हमारी ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, आरबीसी को। ठीक है, दूसरा है फाइलेरिया, फाइलेरिया लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करता है, जिससे कि ये कीड़ा हमारी मसल्स में चला जाता है। इनसेफेलाइटिस ये सिफेलिक लेयर्स जो कि ब्रेन में होती हैं उनको इफेक्ट करता है, और ल्यूकीमिया हमारे बोन मैरो के खराब होने से, ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर का कारक है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है, तो बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स बनती हैं और जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो आई थिंक ए आपका 5 है, बी 4, सी 2
और ये 1, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जेनेटिक आइडेंटिटी आइडेंटिफाई ऑफ ह्यूमन मेल इज नोन एज सेक्स क्रोमोजोम। देखिए, सेक्स क्रोमोजोम मेनली मेल्स में दो अलग अलग तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और ये वाई क्रोमोजोम जहां होगा वो मेल होता है। न्यूक्लियोलस का कोई रोल नहीं है, इसका मेन काम डीएनए को सिंथेसिस करना होता है। ऑटोसोम्स हमारी बॉडी सेल्स को कहते हैं, जो कि 22 पेयर होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा पुरुषों में पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो देखिए, लंग कैंसर मेनली हमारी कोई चीज इनहेल हो रही है जिस स्मोकिंग वगैरह से होती है। माउथ कैंसर मेनली जैसे तंबाकू वगैरह खाने से कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। लीवर का कैंसर अल्कोहल ज्यादा इनहेल करने से होता है। और अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से हमें जो कैंसर है, दैट इज स्किन कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Which one of the following type of cells has a ability to develop into any type of cells that is known as stem cells? ये है आपका stem cells, जिसको स्तंभ कोशिकाएं भी कहते हैं। स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है, तो वो किसी भी तरह की सेल्स में, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वही स्टेम सेल्स हमारे बॉडी सेल्स को फॉर्म करती हैं। Who was called as Maratha of Maratha politics? 96 का सी होगा, नाना फडणवीस। ठीक है, नाना जो थे वो नाना लग रहा है ना, नाना फडणवीस ये होगा। ठीक है, फिर उसके याद आएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड है ना, ये किसने लिखी है? सरोजनी नायडू में, सी पार्ट। सुंदरबन फॉरेस्ट कहाँ पे है? मैनग्रोव इकोसिस्टम कहलाता है, सदाबहार मैनग्रोव, जहाँ हर समय बारिश होती रहती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बी के चतुर्वेदी कमिटी डील्ड विद, लास्ट पार्ट, प्राइस रिफॉर्म्स। सॉरी, मिक्स्ड फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिक्स्ड फार्मिंग होता है पशुपालन और खेती एक साथ, तो इसमें रियरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन, सी। अंडर द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई कौन सी नहीं कवर्ड है ना, तो इसमें जो आंसर आपको भाई रेपो बैंक रेट ये सारे रेट हैं तो ये तो कवर होंगे ही, तो 31 का लास्ट पार्ट हो जाएगा, एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी, ये नहीं होता। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मैचिंग करनी है। ठीक है, मैचिंग में क्या होगा इसका, पहले का चौथा होगा, दूसरे का पहला होगा, तीसरे का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ओके, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स होगा। ठीक है, ए। विक्रम साराभाई स्पेस इज लोकेटेड एट, 43 का ए पार्ट। थ्रिवंतपुरम, व्हेन इंटरनेशनल मदर डे इज ऑब्जर्व कब होता है, तो ये सेकेंड संडे ऑफ, सी पार्ट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कंडेम फेल्ड एंड कंडक्टेड थी रिसेंटली, तो ये कहाँ पे थी, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 मिसाइल लॉन्च कर रहा है इसकी यूएसए, थोड़ी ठनी हुई है, ये चीज याद रखिएगा। 46 का क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ मैसूर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो ये है एनके चरी, ए पार्ट। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड 8 दिसंबर से 18 तक, ये कहाँ पे होगा, हॉकी का मैदान कहाँ पे है यार, लखनऊ में है यार अपने। ठीक है, लखनऊ होगा। ओके, इस मैचिंग में आ गया है 48 में कि डीपीएसपी किस में आता है, 48 का अगर देखा जाए तो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से उठाया गया है। ठीक है, और फिर इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है,